अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन यस कैसे हो आप सब एक बार जल्द से लाइक एंड शेयर कर दो सारे लाइक कर लो शेयर कर लो सबको बुला लो सेशन एज जस्ट स्टार्टेड हम बस स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेशन कैसे हो आप सब हाउ इज एवरी वन डूंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल डूइंग एक बार सारे लोग लो लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से हम्म एक बार सारे लोग लाइक एंड शेयर कर दो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन गुड इवनिंग कृष्णा गुड इवनिंग एवरीवन वन आज हम बात करने वाले हैं अबाउट यूकैरियोटिक कल कैरियॉर्टिकेशन बात किया था अबाउट द प्रोकैरियोटिक अबाउटिकेशन क्या होता है कैसे होता है प्रोकैरियोट्स काफी सिंपल होते हैं हैं छोटा सा होता है तो इट्स क्वाइट बट जब हम बात करने वाले हैं, बच्चे अबाउट दू कैरियस इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज हमारा जीन काफी बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स होता है काफी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है पढ़ने को ट्रिकी मतलब कि डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी बस आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे ठीक है जैसे कुछ नया दिख रहे है आपको हिस्टोन हमने अब तक नहीं देखा था ऐसा कुछ गुड इवनिंग खुशी बात हमने कल नहीं की थी याद है बिकॉज प्रो हिस्टोन्स हमारे अंदर होते हैं evening, तो कुछ बात है इस बारे में भी को कैसे हम करेंगे मल्टीप्लाई रेप्लीकेट दो कॉपीज़ कैसे बनाया जाएगा गुड इवनिंग श्रेया, श्रेया, राइट ओके, वो नहीं पढ़ा जाता मेरे से बट आई थिंक आई एम राइट यस ठीक है हम लोग इसे Histone, होते हैं आपके जो डीएनए को अपने अराउंड रैप करके रखते हैं ठीक है तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि आपके अगर आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है आपके छोटा सर्कुलर डीएनएम हमारे पास इतना बड़ा डीएनए होता है कि उसको हम बराबर से इसकेर में रैप करके रखते हैं ताकि जब यूज है उसको निकाला जा सके जब काम नहीं है तो उसको वापस से रखा जा सके ठीक है तो इसलिए प्रॉपर तरीके से पैक करके रखते हैं अराउंड हिस्ट्रो में रैप करके रखते हैं ताकि गुड इवनिंग सो येस सारी बातें हम करने वाले हैं आज के सेशन में कल बात किया था अबाउट द प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन आज आपके लिए मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ क्वेश्चन की भी डिस्कशन करने वाले हैं

और यू वॉन्ट टू क्लियर गैट बी एग्जाम और यू वॉन्ट टू क्लियर दिस सी टी पी एग्जाम अगर आपका टारगेट है कि आपको क्लियर करना है और आपको एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है फॉर योर मास्टर्स डिग्री तो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते यहीं पे करनी है आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है इन सेशंस के अंदर यू डेली प्रैक्टिस सेशंस, वीकली टेस्ट

वन मोर थिंग जो कल होने वाला है कल क्या होने वाला है तो कल होने वाला है आपका एक ऑल इंडिया फ्री टेस्ट बच्चों आपको कुछ चीजें आती है कुछ चीजें पढ़नी है कितना पढ़ना है आप कहाँ लाई करते हो फिलहाल क्या है आपका स्टेटस अभी तो आपको ओके okay, अपूर्वा कोई बात नहीं बच्चे we'll पक्का पक्का मैं डेली याद दिलाऊंगी कैश बैक है अगर आपका रैंक आता है टॉप वन हेड में तो कैश बैक है आप जितनी फीस भरोगे हमारे पूरा एक एक पैसा वापस मिलने वाला है यू विल गेट ऑल द मनी बैक सो इट्स योर यू कैन अर्न द मनी बैक बट यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली ठीक है आप मैं ये पक्का याद दिला दूंगी डेली ठीक है इट्स अ बिग थिंग आपका रैंक अच्छा आएगा घर वाले खुश पैसे वापस मिलेंगे आप भी खुश शॉपिंग करो पार्टी करो हमें भी लेके चले जाना पार्टी करने ठीक है सो येस दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड डेफिनेटली मैं रोज याद दिलाऊंगी इस बात ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चे कल आपके लिए एक फ्री टेस्ट रखी जा रही है इट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स बायोटेक है केमिस्ट्री है फिजिक्स है मैथ्स है आपको जाना है वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ इन द वेबसाइट एंड देन यू हैव टू डाउनलोड द ऐप वहाँ जाके आपको टेस्ट जो है ये अटेम्प्ट करना है और आपके लिए ओपन रहेगा विंडो फ्रॉम मॉर्निंग टेन ए एम टू इवनिंग टेन पी एम आ, नहीं नहीं ये बैच आपके ऐप आप पे होने वाला है ओके दिस इज एक्चुअली अ पेड बैच जो आपके यूट्यूब आप पे, पे हम लोग लेक्चर सीरीज लेके आने वाले हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट है वो, से वो भी लेके आ जाएगा गुड इवनिंग प्रखर सो so, लेक्चर सीरीज तो यहाँ पे आते रहेंगे बट आपका जो बैच बताया मैंने जलगार बैच वो आपके ऐप आप पे होने वाला है वो यहाँ पे नहीं होगा बच्चे ठीक है सो यस आपका टेस्ट है कल तो प्लीज एवरी वन द टेस्ट ठीक है कितने भी मार्क्स आए कैसे भी आए आपको पता चलेगा कि क्या लेवल रहता है एग्जाम का आप कैसे आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो क्या आपका स्कोर आ रहा है गुड इवनिंग ने आपको एक अच्छा खुद का सेल्फ एनालिसिस मिलने वाला है कि हाउ यू परफॉर्म इन एग्जाम्स तो शायद आता चली गई ना एम लाइक एम वाले एग्ज़ाम की आई थिंक लॉकडाउन में सबने दिया है लॉकडाउन में सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम ऐसे निकल गए हमारे है ना मैम एम में थे हम लोग ने कर लिया एग्जाम पास हो गए सारे नाइनटी आए बी में लोगों को बट नो

ठीक है आई हैव नॉट अ वेरी बैड मेमोरी मुझे याद रहता है कौन कौन okay, से मेरे बच्चे डेली आई लास्ट एवरी मार्क्स आए हैं आपके टेल ठीक है ओके खुशी चलिए आपका मॉर्निंग दस से रात दस बजे तक आपके पास बारह घंटे का टाइम है आप कभी भी जाके वहाँ पे Now, तो वहां पे बारह घंटे में सकते ठीक है अरे मैम क्या ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछते हैं आप भी अटेंड कर सकते हो जाके इट्स अप टू यू ठीक है चलिए तो अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके अबाउट द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन तो एग्जैक्टली exactly कब होता है थीके? ये ठीक है ये कब होता है तो ये होता है आपके सेल साइकिल के एस फेज में सबसे पहली बात सेल साइकिल में कौन-कौन से चार फेज होते हैं तो मैम वहां पे होता है जीवन फेज होता है एस फेज होता है जी2 फेज होता है और फिर एम फेज आता है ठीक है आपका फेस कौन सा होता है तो एक होता है आपका जीवन फेज फिर आता है जीवन तो जीटू का मतलब होता है गैप वन एंड गैप टू वी कैन कॉल देम एज द प्रिपरेटरी फेजेस ये होते हैं बच्चे आपके प्रिप्रेटरी फेज होते हैं जहां पे सेल जो रहता है वो तो अपने को प्रिपेयर कर रहा होता है ठीक है वो आपको प्रिपेयर कर रहा होता है एंड आपका जो एस फेज होता है वो होता है आपका सिंथेसिस फेज ओके ये क्या होता है ये मैंने नहीं सुना है कभी हो सकता है ऐसा कुछ एस फेज होता है आपका सिंथेसिस फेज और एम का मतलब होता है आपका माइटोसिस होगा अभी ठीक है तो क्या होता है आपका सेल जो रहता है इनिशियली वहां पे रहता है आपका गैप फेज रहता है जहां पे सेल प्रिपेयर करता है खुद को फॉर द सिंथेसिस एंडल the करता है अपना सब की जाती है for the whole mitosis. Okay, जीवन ऐसे याद करते हैं ठीक है थीके? तो अगर हम बात करते हैं आपके सेल साइकिल के चार फेजिस की तो हमारे पास में अलग अलग कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है एवरी सेल साइकिल फेज क्वायर्स अपरेट साइक्लिन एंड अ सेपरेट प्रोटीन ओके अच्छा 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 आप समझी मैं गुड थिंग <laughs> जीवन में करते हैं तैयारी एट्स अ गुड थिंग अच्छा लॉजिक अच्छा अच्छा तरीका याद करने का पसंद आया मुझे ठीक है गुड चलिए तो हमारे हर सेल साइकिल के फेज में हमको लगते हैं अलग अलग साइक्लिन लगते हैं ठीक है एक होता है आपका साइक्लिन डी एक होता है ई e, फिर आता है ए और फिर आता है बी डी और ई e जो रहता है डी लगता है हमको आपके जीवन फेज में आपका ई e लगता है हमको जीवन एस जो चेक पॉइंट होता है वहां पे हमको लगता है ई वाला साइक्लिन देन वी रिक्वायर द साइक्लिन ए इन द एस फेज एंड देन वी रिक्वायर साइक्लिन बी इन द लास्ट फेज ठीक है तो हम हां तक नहीं जाएंगे हम फिलहाल बात करते हैं आपके साइक्लिन ए की बिकॉज हमको पढ़ना है आज आपका सिंथेसिस आज हमको बात करनी है बच्चे अबाउट द सिंथेसिस क्या होता है कैसे होता है तो आवर ओनली कंसर्न इज दिस साइक्लिन ए एंड आवर कंसर्न इज इज सी डी के दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन ओके दैट्स गुड पीहू ठीक है हमको आज पढ़ना है आपका साइक्लिन ए एंड वी आल्सो हैव टू स्टडी दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज़ ठीक है दो की बात हमको करनी है बिकॉज इनका यूज करने वाले हैं हम लोग जब सेल साइकिल हमारा स्टार्ट होने वाला है तो ध्यान रखना है आपका जो सेल साइकिल रहता है चार फेज में काम करता है जी वन फेज एस फेज एंड जी टू फेज एंड देन एम फेज अगर आपके सेल साइकिल में कोई एरर आता है इफ देयर इज एनी एरर इन द एनी म्यूटेशन है न्यूट्रिएंट्स कम है कोई प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन रहती है तब क्या होता है तब सेल में काम करते बहुत सारे चेक पॉइंट्स काम करते हैं एंड इफ दीज चेक पॉइंट्स आर नॉट वर्किंग इन दैट केस दर्सन माइट सफर फ्रॉम कैंसर बिकॉज तब क्या होगा तब वहां पे होगा आपका अनकंट्रोल सेलेशन बट अगर सब जिससे कंट्रोल में चल रही है तो धीरे धीरे रहता है बट इफ देर डीएनए और एनी अदर प्रॉब्लम जो हमारा थोड़ा सा फिर पॉज हो सकता है ठीक है हम बात करेंगे बच्चे आपके अबाउट द डीएनएस होने वाला है आपके एस फेस के अंदर तो ये देर आर मेनी रेगुलेशन प्रोसेस

और टिंग यूनिट्स था बबल वहीं से हमारा स्टार्ट होता था आपका कंप्लीट रेप्लीकेशन बट अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके eukaryotes की तो बहुत ही बड़ा डी एन ए होता है इट हैज मैनी साइट जहां से शुरुआत हो सकती है आपके रेप्लीकेशन की प्रोकैरियोट्स वहाँ पे सिंपल होता है स्ट्रक्चर बट इन केस ऑफ यू यूनिट्स ठीक है

बात करते हैं कौन कौन से पॉलीमरेज होते हैं अगर हम बात करते हैं बच्चे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या रहता है कोई ना, कोई ना सुषमा समथिंग गुड इज देयर फॉर यू ठीक है कुछ बहुत अच्छा है ओके तो अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की तो ये रहता है यहाँ का प्राइमेज मुझे पता कल प्राइमेज कौन सा एंजाइम था Which was the in case of पे जो प्राइमेस रहता है वो होता है, है well yes, yes, yes. okay, well. yes, जी था हमारा कल केस में प्राइमेज हमारा यहाँ रहता है डीएनए पॉलीमरिज अल्फा जो होता है हमारा प्राइमेज ठीक है तो ये रहता है आपका प्राइमेज इसके पास में होती है पॉलीमरेज एज वेल एज थ्री टू फाइव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ठीक है उसके अलावा इस ये करवाता है आपका प्राइमर सिंथेसिस प्लस इट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डीएनए रिपेयर वहां पे भी ये काम आने वाला है उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका होता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो यूज होता है इन द बेस एक्सीजन रिपेयर

आपके जो पॉलीमरेज डेल्टा होते हैं एप्सलॉन होते हैं दीज आर द एंजाइम दीज आर द पॉलीमरेज जो करवाते हैं आपका मेजर एप्लीकेशन इन केस ऑफ द कैरियो ठीक है अगर हम बात करते हैं एप्सलॉन की तो ये करवाता है आपका सिंथेसिस ऑफ द लीडिंग स्ट्रांड ठीक है और अगर हम बात करते हैं डेल्टा की तो ये करवाता है आपका सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड याद रखना आप लोग एप्सलॉन मतलब कि ई e की तरह दिखता है और ई e से याद रख सकते हो तो आप लोग लीडिंग स्ट्रैंड ठीक है, so, याद रखना है आपको आपका जो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन जो रहेगा वो करवाता है आपका सिंथेसिस ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है लैगिंग में आप जी लिखोगे ऐसे दो बार जी लिखते हो तो जी समथिंग लाइक दिस डेल्टा ऐसा कुछ याद रख सकते हो आप लोग या फिर सिंपल याद रख लो ना लीडिंग का मतलब एप्सिलॉन है तो जो बच रहा है वो आपका लैगिंग बनवाएगा yes, प्रखर इज राइट right. डन

का रहेगा एंड जो बच रहा है, आपका का, है। ये हो गया, आपका। चार्ट हो गया हमको अभी से। अल्फा, हम अल्फा, मतलब है। है। आप, तो अल्फा रहेगा हमारा प्राइमेज बी बेस एक्सीजन तो याद रखना बीटा जो करवाता है आपका बेस एक्सीजन रिपेयर गामा म, म से माइटोकॉन्ड्रिया सो तो गामा जो रहता है वो करवाता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लीकेशन

हम अगर बात करते हैं प्राइमर की इफ आई ट्रो कैरियस इट इज इन क्या होता है पता है आपको हमारे अंदर प्राइमर रहता है उसमें डीएनए भी रहता है और भी प्रेजेंट रहता है। थोड़ा सा रहता है आपका डी एन ए और थोड़ा सा उसमें एक्सटेंड होता है आपका आर एन ए और फिर आते हैं आपके बाकी एंटीपीज जो है वो करते हैं। yes, yes, प्रखर। तो आपको जो फन रहेगा क्या करता है? यहां पे आके आपके प्राइमर जल्दी से। In case of prokaryotes, कौन करता था प्राइमर को In case of prokaryotes, which enzyme remove the primer? जल्दी जल्दी सॉरी इनकेस ऑफ प्रो कैरियो ऑलिमर इज वन प्राइमरी मोल गैप फिलिंग बिल्कुल सही बात है बट यहाँ पे आपके चार एंजाइम आते हैं वो एक काम के लिए वहां एक करवाता था, था चारों काम यहाँ पे आपके चार मिलके एक काम करते हैं आर एन एस एच पेन एप्सिलॉन ये ने डेल्टा चार मिलके करेंगे यहाँ पे प्राइमरी बोलन गैप फिलिंग एंड वहां पे आपका एक ही था जो आपके सारे काम कर दिया करता था ठीक है Okay, श्रेया हम एक काम करते हुए सेशन के एंड में डिस्कस करते हैं पक्का आई वेट फॉर ठीक है हम सेशन के एंड में बात करते हैं बिकॉज नाउ आई थिंक मेनी पीपल आर हियर दे वांट टू लर्न श्रेया पक्का आपका जो भी डाउट है हम सेशन के एंड में लेते हैं मैं रुकूंगी हम रुकेंगे हम बात करेंगे इस बात पर ठीक है अभी हम कंटिन्यू करते हैं वेरी 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 सॉरी फॉर दिस ओके पक्का पर सेशन के एंड में आई 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 क्लियर दिस आउट पक्का ठीक है चलिए तो आपका जो फेन वन रहता है फेन वन के पास में होती है आपकी एक्जोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास में होती है आपकी

Polymerase epsilon polymerase चार मिलके जो जो करने वाले वाले है आज हमारा ठीक ठीक है? है? है आपका आता है जो करवाएगा आपके RNA के डीएनए को रिमूव और फिर आपका होता है पॉलीमरेज आता है जो करवाता है आपके पूरे गैप को फिल करेगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके यूकैरियोटिक प्राइमर की तो यहाँ पे आपके प्राइमर बने होते हैं ठीक है हमको जरूरी होता है आर प्राइमर को रिमूव करना प्लस वी ऑल्सो रिमूव द डीएनए प्राइमर और फिर हमारा होता है कंप्लीट गैप को हम लोग फिल भी करते हैं मैम हम लोग ने क्यों

एड होते हैं उसके बाद में आता है आपका पॉलीमरेज और फिर पॉलीमरेज आएगा तो क्या करेगा वो आपके पूरे स्टांड को जो है ये एक्सटेंड करेगा ठीक है सो इनपीज कुछ होते हैं आपके आर एन ऑफ टू टाइप्स ऑफ पी कुछ होते हैं आपके आरएनए कुछ होते हैं हमारे पी और फिर आपके सारे ऐड होते हैं डीएनए का स्टच उसके बाद में जो है एक्सटेंड होना शुरू होता है दिस इज अ वेरी बेसिक केस ठीक है मैंने आपको ये कहा कि हमारा प्राइमरी रिमूवल होगा अभी एंड जब होता है प्राइमर रिमूवल तो हमने पहले क्या किया हमने ना हमारे तो बेसिस ही नॉर्मल तो उसको क्यों हटाया जा रहा होगा एनी वन वाई आर वी रिमूविंग द डीएनपीज ऑफ द आर एन ए प्राइमर सिंस दे आर डी ऑक्सी नाइट्रोजन बेसिस है वो आपके तो क्यों निकालना है हमको वो तो सही से ऐड हो रहा है क्या रीजन हो सकता है उसको निकालने का वहां से वाई आर डी एन टीपीज ऑल्सो कुछ हमने बात किया था प्राइमेस के बारे में प्राइमेस लैक्स वन एक्टिविटी कुछ तो आप उसको ऐसे लिखते हो प्राइमेस जो रहता है इट लैक्स बेसिकली द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी

एंड ए पॉलीमर अल्फा जो है यूनिक एंजाइम बिकॉज दैट इज केपेबल ऑफ एडिंग बोथ आर एन टी पी एस वेल एज डी एन टी पी आराम से सुनो आराम से सुनो मैं यहीं पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ वी हैव एन एनजाइम कॉल्ड एज डी एन ए पॉलीमरिज अल्फा एंड डीएनए पॉलीमरिज अल्फा जो होते हैं उनके पास में एक्टिविटी होती है दैट इट कैन एड बोथ डीएन टी एज वेल एज आर एन टी तो हमारा ये टेम्पलेट स्टैंड रहता है यहाँ पे आता है आपका डीएनए पॉलीमरेस अल्फा वो आके यहाँ पे थोड़े से ऐड करता है अल्फा ही क्या करता है वो यहाँ पे थोड़े से ऐड करता है डी एन टी पीस को वो यहाँ पे ऐड वो यहाँ पे ऐड करता है थोड़े से आपके डी एन टी उसके बाद में यहाँ पे होता है

प्राइमर है दिस इज एन आरएनए प्राइमर एंड दिस पार्ट इज द डीएनए प्राइमर हमको ये बात भी पता होती है आपको इसको रिमूव करना कंपलसरी बिकॉज़ आरएनटी पीज है अनस्टेबल बेसिस है हम नहीं रख सकते उसे बिकॉज़ दैट इज वेरी अनस्टेबल इट कैन ब्रेक द डीएनए ठीक है तो आपका आता है एंजाइम आरएनए एस एच एंजाइम आता है आरएनए एस एच और ये क्या करता है आपके ये आपके इसको यहाँ से रिमूव करा देता है ठीक है तो क्या हो गया है अब तक अब तक ये हो गया है कि हमने आर एन टीपी पूरे प्राइमर को यहाँ से हटा दिया है अब मैंने आपको ये पूछा है सवाल क्या डीएनटीपी को हटाना जरूरी है क्यो? बट ये तो हमारे फेमिलियर बेसिस ही है दे आर स्टेबल नाइट्रोजन बेसिस तो क्या इसको हटाना जरूरी है या नहीं जरूरी है आपका सवाल ये है टू रिमूव दिस हैस और नो निकालना है कि नहीं निकालना है सो एस एन जी दैट इज द फीचर ऑफ दैट बच्चे उसके पास वो सब यूनिट ही नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल हो इट नॉट हैव दैट सब यूनिट जिसके पास वो दिमाग को प्रूफ रीड करने का ठीक है वो उसके नेचर में है वो उसकी फीचर में वी कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट ठीक है इट लैक्स बिकॉज इट इज नॉट है येस इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव क्यूज रिक्वायर्ड है बिकॉज इसको एड किया था आपके डी एन ए पॉलिमर अल्फा ने यहाँ तक एडिशन जो तो किया, किया था वो पॉलीमरेज अल्फा ने किया था एंड दिस पॉलीमर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ठीक है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट बेसिस बेसिकली आर एडेड हियर हम नहीं चाहते वैसा कुछ हो तो हम क्या करते हैं हम पूरे डी एन भी यहाँ से हटा देते हैं ऑल दीज आर ऑल्सो रिमूव्ड हियर एंड आपको जो रिमूवल है द रिमूवल ऑफ दिस डीएनए प्राइमर ये वाला जो काम रहता है ये काम करता है आपका फ्लैप एंडोन्यूक्स ठीक है इससे क्या हो जाएगा कम्प्लीट प्राइमर जो रहेगा वो आपका रिमूव हो जाएगा और फिर हमारा आता है पॉलीमरेज जो यहाँ पे क्या करेगा तो आपका जो भी गैप इतना जनरेट हुआ था जिस कंप्लीट गैप को फिल करने का, का काम करता है आपका भी डीएनए पॉलीमरेज इट कैन बी एप्सिलॉन

अच्छा ऐसा है नाउ बिफोर स्टार्टिंग अच्छा तो अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा सारा अभी देखो ये एक लिस्ट आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें जब यूज होने वाली है आपके केस ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ओके So, अगर हम बात करते हैं आपके कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं तो ये आपके सारे कॉम्पोनेट जो आपको याद रखने हैं क्या क्या मतलब होता है अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके ए का ए का मतलब होता है सीक्वेंस ठीक है इसका मतलब होता है ए का मतलब होता है ऑटोनॉमस रेप्लीकेटिंग सीक्वेंस फिर आता है आपका ओ आरसी का मतलब होता है ओरिजिन रिकोगशन कॉम्प्लेक्स जिसमें पे ओरिसी था ना केस ऑफ प्रोकैड्योर्स वी द साइड जहां से आपका ओरिजिन जो था वो शुरू हो रहा था यहाँ पे आपका होता है ए आर एस सीक्वेंस जहां से होता है इनिशियो यहाँ पे आपका ओ आर सी आर के बाइंड होने वाला है दिस इज द इनिशिएटर प्रोटीन केस ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लीकेशन ठीक है उसके बाद में आता है आपका सी डी सी सिक्स एंड सी डी टी वन ये होते हैं आपके सेल डिवीजन साइकिल सिक्स प्रोटीन एंड नेक्स्ट वन इज द सी डी सी टेन डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट वन दोनों का काम होता है इंपॉर्टेंट वाला दोनों रिक्रूट करते हैं आपके हेलीकेस को लेके आते हैं आपके हेलीकेस को एंड आपके साइकिल को जो है वो लेके आने का काम करने वाले हैं नेक्स्ट वी हैव दिस एम इसका मतलब होता है मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस फैक्टर दिस इज द हेलीकेस ठीक है This enzyme is the helicase. कल कौन सा हेलीकेस था Which was helicase yesterday? कल कौन था हमारा helicase? बता दो जल्दी से एक बार नेक्स्टी एंड डीडीके सीडी के का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस और डीडीके का मतलब होता है डी बी एफ ओ डिपेंडेंट काइनेस ये जो है ये करवाने वाले है एक्टिवेशन यस डीएनए बी था ठीक है ये आपका डीएनए बी था वेरी गुड एवरी ठीक है ये जो होते हैं ये करवाते हैं आपका एक्टिवेशन ऑफ द लोडेड तो लोड हो जाते हैं उनको तो एक्टिवेट तो तो करवाना पड़ता है ताकि वो प्रोसेस को आगे जो है वो बढ़ा सके वो काम करने का वो काम करते हैं बेसिकली आपके सी डी के डीडी के जो वो वाला काम परफॉर्म करते हैं एक होता है आपका सी डी सी फोर्टीजन साइकिल ये हमारा बनाने वाला है कॉम्प्लेक्स सी एम जी मिलकर बनाते हैं आपका सी एम जी कॉम्प्लेक्स जो रहता है आपका एक एक्टिव हेलीकेस कॉम्प्लेक्स बनने वाला है ठीक है दिस सी एम जी बनता है सी एम जी कॉम्प्लेक्स बनता है जो आपका होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ द हेलीकेस ठीक है इतना एक्टिव एक फॉर्म होता है आपके हेलीकेस का ठीक है यस 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 उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जींस की तो जींस जो रहता है जैसे तो नी, तो नी वन को बोलते हैं इची फाइव को बोलते हैं गो ठीक है तो आपका जो जी आई एन एस है इनको लेके बना है आपका वो नाम जींस तो जींस का कोई फुल फॉर्म नहीं है जींस जो है वो आपका यहीं से आया हुआ है ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं आपके आर पी यस लाइसेंसिंग फैक्टर नहीं बोलेंगे इसे हम बट ये क्या करते हैं तो ये जब साथ में मिल जाएंगे तब जो उसकी स्पीड और इंक्रीज होती है ठीक है लोड करवाएगा एक एक्टिवेट करवाएगा कोई और दोनों मिलकर उसके साथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं फिर ठीक है ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपके आरपीए जो होता है आपका रेप्लिकेशन फैक्टर ए ये आपके काम करते हैं as the SSB हमारे कल थे SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटींस वो क्या करते थे आपके सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करते थे वैसे ही आपका ये जो रहेगा ये भी करवाता है आपके यहाँ पे मेंटेन करता है आपके डीएनए को इन द सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म फिर आता है आपका RFC एंड PCNA RFC का मतलब होता है रेप्लिकेशन फैक्टर सी और PCNA का मतलब होता है प्रोलीफरेटिंग सेल नंबर एंटीजन ये रहने वाला है आज हमारा रिंग, ठीक है यस, 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 क्लैंप लोडर, ठीक है? आपका जो रहता है, है ये काम करता अ क्लैंप और ये रहता है आपका क्लैंप लोडर है वो आपके लोड करता है लाके आपके पीसीएन रिंग को एंड पीसी रिंग जो रहता है वैसे वो कैरी करता है आपके पूरे पॉलीमरेज को तो सारा यूज हम एक करके देखने वाले हैं अगर कोई आपका वर्ड मिस हो गया हो तो हम वर्ड को वहाँ पे वापस से पढ़ने वाले तो घबराने वाले कोई बात नहीं है कि मैम इतने नाम कैसे याद रहेंगे? को करने वाले हैं। अभी तो गेट टू पढ़ना कैसे है? क्या करना आप लोग जस्ट वॉच एवरीथिंग एंड आप देख के याद करो अच्छा डीडी के कहा यूज होता था आपको पूरा मैकेजम ऐसे लर्न हो जाएगा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आप अपने चार्ट को भी अच्छे से देख के याद कर लिया ना कौन सा कहा कौन से स्टेप में आया था विल अंडरस्टैंड एवरी प्रोसेस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं Now, let's start with the initiation. हम बात करते हैं सबसे सबसे पहले पहले कैसे होता है, क्या क्या होता है, है? है क्या-क्या बनता आपका प्री रेप्लीटिव कॉम्प्लेक्स क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे ये यह होगा आपके ओरिजिन पे बाइंड होगा आपका इनिशिएटर प्रोटीन जो हमने कल भी देखा था ठीक है क्या होने वाला है यहाँ पे आपका रहेगा ओरिजिन सीक्वेंस वहां पर क्या बाइंड होने वाला है आपका इनिशिएटर प्रोटीन जो हमने कल देखा था वही चीजें होगी थोड़ा सा याद करते हुए चलना अभी ठीक है थोड़ा सा लिंक करो कि हमने कल क्या देखा था एंड थोड़ा सा हम रिलेट करते हुए ऐसा चलेंगे ताकि आपको चीजें जो थोड़ी सी कल की भी याद रहे और आज भी आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सको ठीक है लेट स्टार्ट सबसे पहले क्या होने वाला है बाइंडिंग ऑफ ओ आर सी मतलब क्या ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स दिस इज द इनिशिएटर प्रोटीन इनिशिएटेड प्रोटीन इन केस ऑफ यूर यूटिक रेप्लीकेशन ठीक है तो ये बाइंड होता है जाके आपके ए आर एस सीक्वेंस में दैट इज द ऑटोनोमस रेप्लीकेटिंग सिक्वेंस तो आपका जहां पे रहेगा ए आर एस सीक्वेंस सपोज हमारे डीएनए है अगर यहाँ पे आपका ए आर एस प्रेजेंट है तो यहाँ के बाइंड होता है बच्चे आपका ओ आर सी यहाँ आके बाइंड होता है आपका ओ आर सी कॉम्प्लेक्स समथिंग लाइक दिस ठीक है हाय पविशा हेलो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड ठीक है उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में आता है आपका हेलीकेस हेलीकेस को लेके आता है आपका सीडी से 6 एंड सीडीटी 1 दे दीस टू विल हेल्प इन डिलीवरिंग द हेलीकेस कल कौन था डीएनए सी था लोडर डीएनए बी था हमारा हेलीकेस वैसे आज जो रहेगा आज ये दोनों मिलकर रहते हैं आपके हेलीकेस के लोडर रहते हैं आपको जो एम सी एम है आज की बातें ठीक है ठीके? कल की बात आज की बात याद आ रही है सेम ही चीजें चल रही है अब तक तो इनिशिएटर प्रोटीन के बाइंड हुआ था हेलीकेस थाज बातें तो बिल्कुल अब तक सेम ही चल रही है उसके बाद क्या होता है इसको हम बोलते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स दिस स्टेप वी कॉल दिस एज द

यस यस मास्टर ठीक है देखो ए बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वहां पे आके वो प्रोसेस को शुरू करवाएंगे ठीक है दे आर मल्टीपल बहुत सारे होते हैं आपके यस यू आर राइट ठीक है जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वहां वहां पे आके शुरुआत जो है वो हो जाती है ठीक है चलिए तो एक्टिवेशन कौन करवाता है इसका फर्दर तो यहाँ पे आते हैं आपके सी डी के दैट इज डिपेंडेंट काइनेज आता है फिर यहाँ पे आता है डी डी के दैट इज द डीवीएफ डिपेंडेंट काइनेस दो आएंगे और दोनों मिलकर करवाने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन को ये शुरुआत जो है ये करवाने वाले हैं ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बनता है अभी आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या देखा हम लोगों ने हमने देखा अब तक कि हमारा ए आर एस का सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट था फिर हमारा आया ओ आर एस उसके बाद में सॉरी ओ आर सी आया हमारा उसके बाद में आपके हेलीकेस जो थे वो एमसीएम भी इस तरीके से यहाँ पे आके ज्वाइन हो चुके थे ठीक है उसके बाद क्या होता है अभी आपके आते हैं कुछ काइनेजेज जो होते हैं आपके सी डी के एंड डी डी के ठीक है दो काइनेज आ चुके हैं हमारे सी डी के एंड डीडी के हेलो लर्न बायोलॉजी सारी का इंग्रेजर शीतल इज स्माइलिंग ओके ओके ठीक है चलिए ओके अभी आ चुके सी डी के डीडी के जो हमारे आ चुके हैं क्या करवाने वाले डी डी के टारगेट हेलीकेज ये करवाता है

अभी आपका ये दोनों मिलकर करवाते हैं आपका स्ट्रॉन्ग बोथ बेसिकली नाउ स्ट्रॉगली स्टिम्यूलर एम सी एम टू टू अभी आपके एक्टिवेट करवाते, करवाते हैं आपके एम सी एम टू टू सेवन को एंड ये मिलकर बनाते हैं आपका सी एम जी कॉम्प्लेक्स ये मिलकर बनाते हैं आपका सी एम जी कॉम्प्लेक्स विच इज एक्चुअली द

दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क क्या क्या देखा हम लोग ने अब तक हमने अब तक देखा है कि हमारा ए आर एस सीक्वेंस प्रेसेंट था के बाइंड हो गया। फिर आया हमारा 227, कुछ से नहीं आया एंड उसको वहाँ पे लेके आया है जो यहाँ पे आके बाइंड हो चुका है उसके बाद में जरूरत है उसको थोड़ी सी पुश करने की वो पुश कौन करता है पुश करते हैं उसके दो फ्रेंड्स जो होते हैं आपके सी डी सी फोर्टी फाइव एंड जींस होते हैं उसके दो फ्रेंड्स उसको आके वहां से पुश करेंगे वो दोनों तो आएंगे वहां पे बट उनको एक्टिवेट करवाने के लिए आते हैं दो और लोग वो होते हैं आपके डीडीके एंड सीडीके डीडीके टारगेट करता है हेलीकेस को सीडीके जो है वो इन दोनों को कंट्रोल करता है कि चलो अब तुमको हमने फॉस्टवर्ड कर दिया है अब तुम आगे आगे जो है ये प्रोसीड करते रहो ठीक है आई एम डूइंग गुड वे हाउ आर यू यस वीडियो विल बी अवेलेबल आफ्टर द सेशन वेल रिकॉर्डेड फॉर्म को मिल जाएगा एक लिस्ट बन जाएगी प्लेलिस्ट जिसमें आपको सब मिल जाएगा अरे बाप रे ओके कॉम्प्लेक्स एक ट्राइमर बनेगा वो हम देखते हैं सी आई शो यू यू आई टेल यूट शो यू ठीक है देखिए ये बात की हम लोग ने अब तक

उसके बाद आते हैं आपके सी डी के और डीडी के दैट इज द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और आता है आपका यहाँ पे डी डी के दैट इज द डीबीएफ डिपेंडेंट काइनेज आता है ठीक है उसके बाद क्या होता है उसके बाद में आपके सारा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से जो है ये फॉर्म होता है एंड देन बनता है आपका एक एक्टिव रिकग्निशन सॉरी आपका बनता है एक एक्टिव हेलीकेज कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है वो कब बनता है तो आपका जब आएगा सी डी सी फोर्टी फाइव और आपका आएगा जिन्स तो आपका ये टी एम जी

बिजी चल रही थी सो आई थिंक इट विल बी अपलोडेड सून या हो गया होगा या होने का होगा आई एम नॉट श्योर बट हो जाएगा वो ठीक है क्लियर इज दिस यहाँ तक की बात समझिए सभी को प्लीज कन्फर्म जो बच्चे जुड़े शुरुआत से सबको समझ में आया है क्या क्या है हमने यही सीक्वेंस देखा अब तक थेरोटिकली एंड अब डायग्रामेटिकली भी हम लोग चीजों को समझ रहे हैं तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस हमने ये डिस्कस कर लिया कि हेलिकेस ने अनवाइंडिंग जो है ये कक्षा कर ली है ठीक है अब आगे की बात करते हैं

प्राइमासोम आता है एंड यहाँ पे आपका प्राइमेज आने वाला है जो करवाने वाला है आपके प्राइमर की असेंबली करवाने वाला है ठीक है तो पॉलीमरेज अल्फा बता हमको वी नो दैट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज द प्राइमेज एंजाइम हियर एंड इट विल इनिशिएट द प्राइमर सिंथेसिस वो आके करवाने वाला है प्राइमर को सिंथेसिस जो है वो करवाएगा देन आएगा हमारा पॉलीमरस जो करवाएगा उसको इलांगेट ठीक है अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इट हैज टू सब यूनिट्स इट हैज टू सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं तो एक होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का एक होता है ए पार्ट और एक होता है अल्फा सब यूनिट ए जो रहता है वो करता है एडिशन ऑफ द राइबो न्यूक्लियटर दैट इज इट एड द आर एन टी ठीक है उसके अलावा आपका जो अल्फा वाला पार्ट होता है ये एड करता है आपके डी एन टी को ये ऐड करता है बच्चे आपके डीएन टी को

सॉरी ए ऐड करता है आपके आर एन टी को और अल्फा ऐड करता है आपके डी एन टी को और ऐसे बनता है आपका एक डीएनए और आर डे का प्राइमर जो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपका प्राइमर बन जाएगा एक बार वंस द पॉलीमरेज हैज एडेड ऑल द प्राइमर्स अभी आप एक हम बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग नाउ द पॉलीमर स्विचिंग विल एक्चुअली टेक प्लेस इसमें क्या हो जाएगा तो इसमें ये होने वाला है कि आपका पॉलीमरेज अल्फा वहां से हट जाएगा और पॉलीमरेज एप्सिल और डेल्टा जो रहेगा वो उसकी जगह वहां पे ले लेगा एंड नाउ दे विल कंटिन्यू द देन प्रोसेस ठीक है नाउ दे विल कंटिन्यू द प्रोसेस ठीक देखते हैं क्या क्या हो जाएगा ठीक है अपने आप से तो होगा नहीं तो क्या आते हैं यहाँ पे आते हैं आपके क्लैम लोडर तो आपका यहाँ पे होता है आर एफ सी होता है जो रहता है आपका लोडर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द पॉलीमरेज स्विचिंग बिकॉज इसको क्या करवाना अल्फा को वहां से हटाना है और एप्सिलॉन को फिर डेल्टा को वहाँ पे ऐड करना है वो काम करता है आपका आरएफसी जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग परफॉर्म करना इसके बाद हमें आता है आपका पीसीएनए रिंग देन वी हैव दिस पीसीएनए रिंग ये रिंग रहता है एक्चुअली इट्स अ क्लैंप ये फंक्शन करता है इन द प्रोसेसिविटी फैक्टर मतलब क्या तो पॉलीमर्स को गिरने नहीं देगा

पीसीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है कौन बताएगा क्या होता है पीसीएनए का फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे कौन बताएगा पीसीएनए एम hmm? बताओ जल्दी से फुल फॉर्म क्या होता है पीसीएनए का पीसीएनए की रिंग होती है पीसीएनए की रिंग होती है पढ़ा था हमने फर्स्ट स्लाइड में रिंग प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन यस प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन न्यूक्लियर था नंबर था न्यूक्लियर के नंबर है टीसीएनए ठीक है टीसीएनए का रिंग हमने पढ़ा है

कितने बजे खत्म होगा अभी टाइम क्या हो रहा है हो जाएगा साढ़े नौ तक हो जाएगा ओके प्यू आई ट्राई ठीक है पहले ये देखते हैं सीरीज उसके बाद हम ट्राई करते हैं ठीक है एंड आफ्टर दैट इससे बनते हैं आपके फ्रेगमेंट एंड दीज कॉल्ड एज द ओका इनको हम बोलते हैं ओकाजाक की ठीक है तो एक बन चुका लेडीज एक बन चुका है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो बन चुका है

ऐसा कुछ आपका पैरेंटल स्ट्रैंड है एंड इन दैट देयर इज दिस डॉटर स्ट्रैंड ठीक है आपके जो हिस्टोन्स रहेंगे बच्चे हिस्टोन्स जो रहते हैं वो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं है ना हिस्टोन्स आपके प्रेजेंट रहेंगे सो ऑक्टामरिक हिस्टोन्स प्रेजेंट रहेंगे और स्टिल में डीएनए जो रहेगा आपको प्रॉपर तरीके से रैप्ड रहता है क्या होगा अभी हिस्टोन्स को यहाँ से निकालना पड़ेगा अभी हमारा हेलिकेस आगे बढ़ पाएगा

धागा अगर आपका थोड़ा भी उलझा रहा तो क्या हो जाता है उलझ जाता है आपने टाइम उसको उसको रैप कर दिया तो तो इट इज फाइन ईयरफोन्स ब्लूटूथ वाले आ आ गए गए हैं वो उसकी बात नहीं कर रही मैं जो वायर वाले जो ईयरफोन्स आते हैं बैग में रख दो तो क्या हो जाता है वो निकालते वक्त उसको फोन आके किसी का तो ढूंढते उसको उलझने में हमको टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा दैट वी ऑलवेज सी है ना बट इफ यू प्रॉपरली रैप एट वायर लगा के अपने उसको बांध के रखा होगा तो क्या हो जाएगा वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट रहेगा

सबसे पहले फॉर्मेशन होता है आपके टेट्रामर का मतलब क्या सबसे पहले आपका फॉर्म होता है टेट्रामर जिसमें आते हैं आपके तो आपका आएगा एक H3, और आएगा एक आपका एच फोर और फिर आता है हमारा एच फोर लाइक दिस उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में के डायमर्स जो है ये एड किए जाते हैं तो उनके बाद में आपका एच टू एच टू बी एच टू एच टू बी इस तरीके से उसके बाद में जो है वो एड किया जाती है यस प्यू यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बच्चे ठीक है उसके बाद में ऐड होते हैं आपके h1 जो आपके linker की तरह काम करने वाले हैं दे विल एक्ट एज अ linker protein so we can see these are the factors this is how they are present h3 h3 h4 h4 then we have this h2a h2n h2b h2b तरीके से आपके प्रेजेंट रहते हैं वेरिएंट व्हाट एग्जैक्टली

ठीक है नॉट रिक्रूटमेंट सॉरी रिक्रूटमेंट बोला जाता है इसको आप देख सकते हो क्या हो रहा है पहले आपके पास तीन लग रहे थे आपको अर्लियर वी रिक्वायर्ड दीज थ्री ओनली बट नाउ क्या हो रहा है उनकी डिमांड जो है ये डबल हो जा रही है ठीक है उनकी डिमांड जो है ये डबल हो जा रही है वेरिएंट काम नॉट श्योर बट आई नो दैट एच वन इज द मोस्ट कंजर्व वन ओके आई टू चेक दैट प्यू आई एम नॉट श्योर

ठीक है हेल्पर रहते हैं या आपके पी एफ का मतलब होता है क्रोम असेंबली फैक्टर तो क्या कर रहे हैं बच्चे ये कुछ ऐड करते हैं आपके न्यू हिस्टोन्स को कुछ ऐड करते हैं आपके एक्सिस्टिंग हिस्टोन्स को इस तरीके से आपका जो भी डिमांड रहता है दैट इज कम्प्लीटली नाउ फुलफिल्ड ठीक है तो ये इसको हम बोलते हैं इसके बाद हमने डिटेल में की थी आज ही क्या-क्या बात क्या किया था एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या-क्या डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा आरएनएस विल रिमूव द आरएनटीपीस एफएन1 विल रिमूव द डीएनटीपीस कौन रिमूव करेगा तो आरएनएस एच रिमूव करेगा आपके आरएनटीपीस को और आपको जो एफएन1 रहेगा वो रिमूव करेगा आपके रिमेनिंग एनटीपी दैट इज द डीएनटीपीस को रिमूव कर दिया जाएगा उसके बाद में आता है आपका पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज

डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगेगा निकलेगा सील होगा ये सारी बातें कल की तरह होने वाली है अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके अबाउट द लीनियर तो इसमें कैसे होता है टर्मिनेशन तो जहां पे दो फोर्थ आके जुड़ जाएंगे वेयर द टू फोक कोलाइड वहां पे होता है आपका टर्मिनेशन मतलब क्या देखो एक फोक यहाँ से आ रहा था एक फोक यहाँ से आ रहा था जहां दोनों मिल जाते वहां पे हो जाता है उनका टर्मिनेशन

क्या होता है इंटरप्लीकेशन प्रॉब्लम बच्चों तो इसमें कुछ अलग सी बात होती है अभी ठीक है ध्यान से समझना इस चीज को दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इन मेनी एग्जाम्स से सवाल पूछे जाते हैं ठीक है पर तो लाइक एंड शेयर कर दो यार तुम लोग क्या कर रहे हो ठीक है क्या कर रहे हो रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट दैट इज इन ट्रांसक्रिप्शन ठीक है हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे अभी ठीक है अगर हम बात करते हैं अबाउट द एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है कीलोमरीज और वो यहाँ पे आके कुछ चीज जो है वो सॉर्ट करवाने वाला है ठीक है पहले जान लेते प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि क्या प्रॉब्लम है कंप्लीट करें मेरा डायलॉग देखो ये है आपका स्ट्रेच दिस इज द फाइव डैश एंड एंड दिस इज द्री डैश एंड यहाँ पे प्राइमर भी रहा होगा फाइव डैश प्राइमर रहा होगा टू थ्री डैश एंड का प्राइमर रहा होगा और फिर हमारा आएगा यहाँ पे जो आके जिसने आके स्ट्रैंड को इस तरीके से इलांगेट किया होगा ठीक है इस के इस तरीके से इलोंगेट जो है ये क्या होगा यस कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आएगा प्राइमर का रिमूवल आएगा अभी स्टेप जहां पे हम प्राइमर को क्या कर देंगे उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे वेन द प्राइमर इज रिमूव तो क्या हो जाएगा एंड रहेगा आपका फाइव डैश एंड और ये रहता है आपका थ्री डैश एंड अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम आपकी ये वाली आएगी कि यहाँ पे आपके बेसिस प्रेजेंट नहीं है इसको कौन ऐड करेगा है ना यहाँ पे बेसिस प्रेजेंट नहीं है बट इसको ऐड कौन करेगा बिकॉज दिस इज अ फाइव फॉस्फेट एंड आपका एडिशन ऑफ द न्यू डी एन टी पी यहाँ पे तो एडिशन पॉसिबल नहीं रहेगा इसको हम बोलते हैं एंड रेप्लीकेशन प्रॉब्लम ये होता है कोई लैगिंग स्टैंड में इन द लैगिंग स्ट्रेड वेन द लास्ट प्राइमर इज रिमूव

ठीक है ध्यान से समझना रिपीट चाहिए मैं रिपीट कर दूंगी घबराने वाली बात नहीं है समझो आराम से आराम से आराम से समझो ठीक है देखो क्या हो रहा है हमारा जो था इस तरीके से इस तरीके से एंड बना ये क्यों बना आपको समझा दिया मैंने कट ऑफ एक्चुअली ना चेंज होता है बच्चे अब तक का जो कट ऑफ गया है आई टी जैम का हाई आई थिंक इट वॉज थर्टी समथिंग इन दर टू थाउजेंड नाइनटीन शायद से

दिस इज द आर एन ए पॉलीमरिज सॉरी दिस इज द टीलोमरीज एक्चुअली जो आपका एक होता है आर एन ए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरीज ठीक है आपको डीएनए का स्ट्रेच प्रेजेंट है यहाँ पे जी तक में उसके बाद होता है खुद का आर एन ए उसके बाद होता है खुद का आर एन एन सीक्वेंस इज वेरी स्पेसिफिक सी ए ए सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ठीक है It has its own RNA. वो क्या करता है, वो जाता है तो दिस दिस तो दिस और फिर होता है आपका यहाँ पे इलोंगेशन ध्यान रखो वो शॉर्ट स्ट्रांड कोलोंगेट कर रहा है वो आपके बड़े स्ट्रांड को ही क्या कर रहा है उसको और जाके वो इलांगेट कर रहा है इससे क्या हो जाएगा दिस टेम्पलेट स्ट्रांड विल नाउ गेट इनक्रीज

हमारा स्टैंड इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा कि कभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पे आपका एक और प्राइमेज आ सकता है ठीक है यहाँ पे आपका एक और प्राइमेज आ सकता है एंड नाउ हैपन द प्राइमेज विल कम हियर एंड इट विल नाउ इलोंगेट द डीएनए प्रेजेंट देयर ठीक है मैं एक और बार समझा देती हूँ आपको इफ यू हैव एनी डाउट हम समझ लेते हैं एक और बार नहीं हो पाएगा ना कोई बात नहीं देखो हमने क्या बात की है मैं बताती हूं भी मैं बताती एक एक बता दूंगी बार में आपको सब समझ आ जाएगा ठीक है कोई घबराने वाली बात नहीं देखो यहाँ तक की वजह समझिए आप लोगों को प्राइमरी मूव हुआ तो क्या हो गया है इतना गैप जो है वो जनरेट हो चुका है ठीक है हमारा आया है टीलोमरीज उसने क्या किया तो उसने आके आपको जो स्ट्रैंड पे इतना प्रेजेंट था

उसके बाद क्या होता है अभी आपका थ्री डैश एंड यहाँ तक पहुंच चुका है थ्री डैश एंड जो है हमारा वो यहाँ तक पहुंच चुका है फाइव डैश एंड जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट है जब इतना हो जाता है तो क्या हो जाएगा अभी हमारा प्राइमर बनेगा यहाँ पे लाइक दिस वी विल हैव अ फाइव डैश टू थ्री डैश एंड प्राइमर ठीक अभी क्या हो जाएगा पॉलीमरेज आएगा एंड इट विल नाउ फिल द गैप ऑलीमर इज आई गेट विल नॉट फिल द गैप फिर आएगा आपका वापस से जो आएगा प्राइमर को रिमूव कर देगा अभी होगा और क्या हो जाएगा हमारा डीएनए इस तरीके से उतना भी लॉस हो जाएगा बट टेल मी हमारा डीएनए तो इतना ही बड़ा था ना हमारा जो डीएनए था वो तो इतना ही बड़ा था ये इतना डीएनए भी चला था हमको भी फर्क नहीं पड़ता उस चीज से गॉट माई पॉइंट

अब आई बात समझ में आई बात समझ में समझा है तो हाँ बोले तो मैं रिपीट करूँगी वापस से आई हैव एनी इशू ठीक है क्लियर है कि समझाना है एक बार तो देख लेते हैं जल्दी से ठीक है एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं ओके ओके इट्स प्यू फाइन ठीक है एक सेकेंड रुको बच्चे देखो ज्यादा व्हाइट नहीं दिख रहा है आपको ओके। ठीक है समझते हैं एक बार अब ध्यान से ठीक है देखो क्या हो रहा है

फाइव डैश प्राइमर है हमारा मैं समझा रही हूँ कोई घबराने वाली बात नहीं है मैं यहीं पे हूँ ना मैं कहाँ गई हूँ मैं समझा रही हूँ ध्यान से समझो अभी ठीक है इतनी बात हम लोगों को पता है ठीक है आपको मैंने क्या कहा मैंने आपको ये कहा कि आपको ये प्राइमर को रिमूव करना है है ना वी हैव टू रिमूव द प्राइमर तो वॉट वी डिड वी रिमूव दिस प्राइमर अभी आफ्टर रिमूव ऑफ द प्राइमर वी हैव अ फ्री 5 डैश फॉस्फेट एंड वी हैव अ फ्री 5 डैश फॉस्फेट एंड एंड वी कैन नॉट परफॉर्म दिस इलॉन्गेशन ये हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ द पॉलीमरेज नीड्स अ 3 डैश ओएच एंड इसके बिना तो हो नहीं सकता कोई इलॉन्गेशन तो क्या हो जाएगा अभी आपको इतना डीएनए जो है ये लॉस हो सकता है हुआ नहीं है इतना डीएनए जो हमारा लॉस हो सकता है बिकॉज आपका जो स्टैंड आगे लॉन्गेट नहीं हो पाएगा इतनी बात समझ में आई है प्लीज कन्फर्म यहाँ तक ये बातें क्लियर है वाई वॉट इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि किस्प एंड है यहाँ से लॉन्गेशन नहीं हो सकता बट यहाँ पे कोई ओ एच एंड भी नहीं है कि आपका इससे स्टैंड बन सके ये दिक्कत है हमारी प्रॉब्लम समझिए क्या एक बार हाँ बोल दो तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यस चलिए ग्रेट नाउ

तो अगर मुझे चाहिए है यहाँ पे फ्री ओएच एंड तो मुझे क्या लगेगा? मतलब जैसे कैसा चाहिए होगा? I will need a primer like this. और ये कब बनेगा? जब मेरा ये वाला स्टैंड जो रहेगा वो बड़ा होगा वेन दिस स्टैंड विल गेट बिगर लाइक दिस तब पे प्राइमर जो है ये लग सकता है एंड तभी हमारा जो गैप जो है ये

ये एंड मिलेगा मुझे तब जब ये स्टैंड जो रहेगा वो और ज्यादा इलांगेट होगा तभी आपको प्राइमरीज यहाँ पे आएगा प्राइमर को बनाएगा एंड आपके प्राइमर जो रहेगा वो इस तरीके से यहाँ तक में इंक्रीज होगा ठीक है तो वही काम करवाया जाता है वही काम वहाँ पे करवाया जाता है आता है आपका एंजाइम टीलोमरीज आता है हमारा एंजाइम टीलोमरीज एंड दैट टीलोमरीज इज अ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज

एंड जो था वो नहीं बन पा रहा था एंड नहीं बन रहा था क्योंकि वहां पे आपका फ्री डैश एंड नहीं था इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं हम टेम्पलेट स्टांड को ही पहले बढ़ा लेते हैं फिर हम एक नया प्राइमर ऐड करते हैं फिर यूजिंग दैट दैट प्राइमर थ्री डैश एंड हम उसको पूरे तरीके से लॉन्गेट कर लेंगे गैप सील करेगा सारा काम तो होगा हमारा एंड अगेन नाउ दिस प्राइमर विल बी रिमूव बट अभी इसके रिमूवल से हमारा डीएनए को लॉस नहीं होगा बिकॉज अवर स्ट्रैंड इज कम्प्लीटली आपके कुछ और होते हैं जैसे पॉलीमरेज ए होता है दो सारा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट दिस इज अर जय महाकाल दिस इज नॉट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बच्चे दिस इज अ डिपेंडेंट क्लियर, क्लियर, जी ठीक है? है समझ में फिर आप अभी भी लिख सकते हो। दिया डायग्राम में आपके कि क्या करते हैं हम लोग उसी स्ट्रैंड को पहले बढ़ा लेते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए टू मेक अर एन ए प्राइमर एंड फिर हम क्या कर सके हम स्ट्रेन को इस तरीके से इलांगेट जो है ये करवा सकते ठीक है तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चे आपका एप्लीकेशन ऑफ द यू दिस इज अ चार्ट दिस अ कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर एवरीथिंग नहीं 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 अरे भाई मैंने कितनी बार बताया नो दिस इज नॉट अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट नो इट इज अ आरएनए डिपेंडेंट इट इज नॉट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट देखो इट इज अ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज़

उसके बाद में पॉलीमरेज कल था हमारा थ्री थ्री दैट वॉज द मेजर एप्लीकेटिव आज थे हमारे दो एप्सिलॉन एंड डेल्टा एप्सिलॉन फॉर द रीडिंग स्ट्रैंड डेल्टा फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड उसके अलावा हाँ 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 इट विल बी क्लियर पक्का क्लियर हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक ब्राइटनेस बहुत बढ़ गया है इस टेबल का बट पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर है ये ठीक है

लाइग दोनों में सेम होता है जो करवाता है आपकी गैप को सील करवाता है डिफरेंस कहाता है लाइग रिक्वायर ए एम पी मॉलिक्यूल इट रिक्वायर्स ए एम पी मॉलिक्यूल फॉर इट्स वर्किंग इट गेट्स ए एम पी फ्रॉम एनएडी इन केस ऑफ द प्रो कैरियो इट गेट्स ए एम पी फ्रॉम द ए टी पी इन केस ऑफ दू कैरियर दट इज द ओनली डिफरेंसर ठीक है अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग बच्चे तो आपका कल था बीटा क्लैम्प और आज था हमारा पीसीएनए रिंग प्रेजेंट था उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लैम्प लोडर की तो कल था आपका गामा कॉम्प्लेक्स और आज होता है आपका आर एफ सी ठीक तो है तो ये आपके आप लोग आप कुछ ट्रिक्स याद रख सकते हो जैसे कुछ माँ है बेटा को लोड कर दिया गामा ने बेटा को लोड कर दिया गामा एंड बेटा तो आप ऐसे कुछ वर्ड्स ट्रिक बना लो जिससे आपको चीजें जो है वो याद रखे लीडिंग लैगिंग तो आप ऐसे कुछ चीजों को याद रख सकते हो देखो अगर आप बोल रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या है इफ आई टॉक अबाउट आप बोलो एंड जय महाकाल देखो अगर आप बोल रहे बच्चे की रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या है तो डीएनए से आर एन ए बन रहा है इफ यू आर सेइंग दैट कि इट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डीएनए था उस डीएनए से बन रहा है आपका आरएनए this is called as reverse transcription अब अगर आपका rna बन रहा है बच्चे तो आपका अगर आपका rna बन रहा होगा तो आपका कैसे हो सकता है आपका dna polymerase यहाँ पे नहीं आ सकता ठीक है अगर हमारा ऐसे हो रहा है प्रोसेस दैट इज आपका rna बन रहा है dna से तो बच्चे आपका ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है एंड यहाँ पे आपका rna polymerase आएगा ना कि आपका dna polymerase आएगा ठीक है ना जय महाकाल तो दैट इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नॉट अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ठीक है एंड श्रेया यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन अगेन आई जस्ट फॉरगॉट मैंने देखा नहीं शायद आपको क्वेश्चन क्या था तो आप रिपीट कर दीजिए ठीक है चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अभी जल्दी से क्विक 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 वी डोंट हैव मच टाइम ठीक है अच्छा एस एनजी आई सी अबाउट इट ठीक है पहले हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से पहला सवाल इन केस ऑफ़ सीक्वेंस कैर योर्स होती है एस एन जी फॉर यूर क्वेश्चन आपने पूछा है कि डीएनडी पी को क्यों रिमूव करते आई टेल यू

RFC का क्या रोल था ओके तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको सारा मिक्स बैग मिलेगा माइक्रोब्स पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन सारे सारे पूछे जाएंगे इन दैट केस आल्सो ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं कि डिफिकल्ट क्या है इजी क्या है आपकी पह, आपकी पढ़ाई उतनी होनी चाहिए बस ओके okay, श्रेया ऐसा कुछ नहीं है

देखो मैं ध्यान रखती नहीं हूँ फोन पे सारी चीजों का बट रखना चाहिए मुझे नेक्स्ट टाइम से अभी 48 लाइक चल रहा है बस कल तुम तो 100 तक पहुंच गए थे ऑलमोस्ट आज कहाँ चले गए है ना कल तो 40 तक सॉरी कल 50 क्या हम लोग पहुंच गए थे चलो 50 कहाँ तक है ठीक है क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया वाज अलाउड टू रेप्लिकेट वंस एक डीएनए है उसको हमने रेप्लिकेट करने दिया एक बार ठीक है इन दिस एक्सपेरिमेंट ठीक है इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी डिड सम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स वेयर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हमने क्या किया तो हमने उसको रेप्लिकेट होने दिया एंड कुछ एनटीपीस को हमने यहाँ पे रेडियल लेवल पे होने का चांस दिया द प्राइमेस वाज एबल टू एक्सेप्ट द लेबल्ड एज वेल एज द अनलेबल्ड

हाँ ओके सो हे योर क्वेश्चन इज ओके बैच स्टार्ट होने वाली बच्चे छब्बीस सप्टेंबर से ट्वेंटी सप्टेंबर से स्टार्ट होने वाली आपकी न्यू बैच मंडे से ओके ट्वेंटी सप्टेम्बर इज अ डेट बैच इज स्टार्टिंग ट्वेंटी सप्टेंबर ठीक है यू कैन परचूज इट चलिए क्या बोला जा रहा है द पर्सनज बेस पर वैल्यूज फॉर ऑफ फोर न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स आर प्रोवाइडेड बिलो ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हैज द हाईएस्ट टीएम का मतलब होता है थर्मल मेल्टिंग पॉइंट ठीक है पीएम किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा तो ध्यान रखो अगर आपको बोला जा रहा है कि हाईएस्ट टीएम का मतलब क्या है तो ऐसा आपको ढूंढना है डीएनए विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ठीक है चेक करते हैं तो क्या करना है यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन इन विच यू विल गेट मैक्सिमम जी एंड सी बिकॉज इट इज हैविंग डबल बॉन्ड

ऑप्शन नंबर थ्री जो जो बोल रहा है बच्चे मास्टर पीयू निक्की एस बिल्कुल सही बात है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर आई बात समझ में कैसे निकाला है तो वी हैव टू जस्ट चेक दैट विच ऑफ द ऑप्शन हैज मैक्सिमम जी एंड सी एंटीटी नेक्स्ट क्वेश्चन और यूकैरियोटिक सेल लैकिंग एक्टिव टीलोमरेज क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल लैकिंग द एक्टिव टीलोमरीज क्या हो जाएगा बच्चे इसमें हुँ? क्या हो जाएगा टीलोमरीज नहीं है three, 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 ठीक है चेक करते हैं सही बात है बिल्कुल हमने देखा था टीलोमरेज तो क्या करवाता था वो करवाता था आपके एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता था डीएनए के रिडक्शन को वो स्टॉप करता था बेसिकली अगर वो ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा देर विल बी अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द क्रोमोसोमल लेंथ एट द एंड ऑफ ईच रेप्लिकेशन साइकिल बिल्कुल सही बात ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन अमंग दीज एंजाइम्स कैन फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन कौन से हेलिकेज है प्राइमेज है टीरोमरेज है टोपोआइसोमरेज है विच कैन फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन कौन फॉर्म कर सकता है फॉस्टोराइज बॉन्ड को थ्री थ्री चेक करते हैं तो देखते हैं हेलिकेस क्या कर सकता है नहीं कर सकता वो तो सिर्फ ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ठीक है इट कैन नॉट बिकॉज इट इज जस्ट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमिज बना सकता है क्या

यस yes, हेलीकेस नहीं कर सकता टू पॉइंट मोड्स भी कर सकता है बिकॉज ये क्या करता है ये करवाता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करवाता है पहले तो और फिर वो ये करवाता है रीसील हम देखते हैं रीसील करवाता है अगर वो रीसीलिंग करा रहा है मतलब क्या करवा रहा है तो बना तो रहा है फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड को क्या दिक्कत है ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग द डीएनए एप्लीकेशन कौन सी बातें सही है डीएनए फोर ठीक है देखते हैं मैं हट जाऊं जाऊंगी आपको लास्ट पॉइंट शायद नहीं पढ़ने में आ रहा है आपको बताना है सही ट्रू स्टेटमेंट सबसे जरूरी यही चीज पढ़ना पूछ रहे कि हैं तो ठीक ठीक है one, one, you saying one. ठीक है चलो चेक करते हैं क्या बोला जा रहा है पहला पॉइंट इट इज सेमी कॉन्जरवेटिव बोथ इन यूकैरियोट्स सही बात है इट अ ट्रू स्टेटमेंट ठीक है सेकेंड क्या बोल रहा है इट इज Semi in but in नहीं। क्या ढूंढ रहे हो क्यू गलत यहां करो यहाँ करो यहाँ भी कर दोनों ठीक है क्या बोला जा रहा है आगे का अगर आप पढ़ते हैं तो बोथ लीडिंग एंड लाइगिंग स्टैंडेटेड सही बात है ना इट इजर एंजाइम बिल्कुल सही बात है

बेटा लाइक एंड शेयर कर दो सारे लोग हम्म क्या रहता है थ्री थ्री टू थ्री थ्री क्या बोला जा रहा है वी हैव टू रिमूव द प्राइमर ठीक है हमने देखा था

ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज द प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी ठीक है ये होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड ये होती है आपकी प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रू फिटिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए डीएनएकेशन कौन सी बात सही है सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह इट इज क्वाइट अ सिमिलर क्वेश्चन

थर्ड क्या बोल रहा है थ्री टू फाइव एक्सो इन्वॉल्व दिस इज द प्रूफ इन एक्टिविटी सही बात है मतलब कि आपका आंसर आएगा दिस इज राइट दैट इज पी एंड आर ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर प्रूफ रीडिंग बाबा आंसर चेक कर लेते हैं दिस इज द प्राइमरी रिमूवल एक्टिविटी अरे ऐसे मत करो यार इतना सा पानी लेना पड़ेगा मुझे इतना सा पानी लो डूब जाना पड़ेगा उसमें दिस इज द अभी बात की थी हमने दिस इज द फाइव टू थ्री इज द प्राइमरी मोल एक्टिविटी एंड दिस इज द द्री टू फाइव इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी खेला बाबू भैया ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग एक बताना है एंजाइम और फंक्शन पढ़ लो आराम से एंजाइम और फंक्शन जो आता है ढूंढो मैच करो और सॉल्व करो मैच फिर कभी भी पूरा नहीं सॉल्व किया जाता है जो पता है ना उसको मार्क कर लो आंसर ढूंढो आप मार्क कर दिया मार्क कर दिया करना फिर थ्री थ्री चलिए चेक करते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं थ्री क्यों बोल रहे हो थ्री थ्री क्यों आ रहा सबका आंसर देखते हैं चलो क्या चेक किया आपने लाइगेस लाइगेस क्या करता है अनवाइंड तो नहीं करेगा सिंथेसाइज भी नहीं करेगा जॉइन करता है हाँ एस का थ्री आ रहा है एक सेकंड सर अच्छा, ठीक है अभी मैंने आंसर गलत मार्क किया है कोई बात नहीं कोई विल विल चेक आंसर ठीक है एक बार हम चेक कर लेते हैं बाकी की बातें भी मैंने गलत लिख दिया है इंसानों से गलती होती है बाबा ठीक है नेक्स्ट चेक कर लेते हैं लाइगेस पी का दिया है फाइव फाइव में बनाएगा बिल्कुल सही बात है क्या करता है क्यू का दिया है टू एक सेकेंड एक सेकेंड रुको 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 लाइगेज है अरे रे 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 दिमाग नहीं काम करता इंसान का जब बहुत रात हो जाती है क्या बोला जा रहा है हेली केस. हेली केस विल अनवाइंड यस मैंने बोला हेलीकेस पढ़ा हेल, लाइगेज

आप पे जाओ आप लोग जाके रजिस्टर करो अपने आप को एंड अटेंड द टेस्ट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड शेयर द स्कोर एज वेल मार्क्स बताना है सभी को ठीक है चलिए दैट्स फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के ग्रेट ग्रेट एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चन ओके पीडीएफ इज अपलोडेड प्रखर पीडीएफ अपलोड हो चुका है कल वाला पीडीएफ यस yes. ये भी आपका कल तक तो हो जाएगा पक्का आई गिव दीडीएफ बट टीम मे बी आज करेगी फिर टीम कल कर देगी बट था अपलोडेडी मेरी पी डी एफ को मिल जाएगा पीडीएफ सारे मिल जाएंगे तो कल वाला टेस्ट अपलोड हुआ ओके okay, वो अपलोड हुआ है से भी अवेलेबल ठीक है पीडीएफ भी आपका हो गया होगा या हो जाएगा आज में हो जाएगा ठीक है चलिए

कहा बाकी जनता कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं अपने घर में पढ़ रहेगा चुप चुप के मत पढ़ो चुप चुप के ना सबको बुलाओ सबको बिठाओ बैठ के पढ़ते हैं इंटरक्शन करेंगे सबके डिस्कशंस होंगे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सभी के एक साथ में ठीक है तो आई होप एल सी ऑल टूमो देन एट एट ओ क्लॉक अगेन नाउ गो एंड हैव डिनर एंड टेक सम रेस्ट कल मिलते हैं हम लोग ठीक है सो यस हैव हैव अ अ ग्रेट नाइट नाइट वेरी गुड एंड सी ऑल हैप्पी लर्निंग बाय टेक केयर